भाई और बहनों, कलबुर्गी के साथ साथ पूरे कर्नाटक की स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देने का भी प्रयास किया जा रहा है। आज हेल्थ से जुड़े दो प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है। कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हुबली के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में राज्य को एक बहुत बड़ी सौगात आज यहीं से मिली है। इस ब्लॉक के बनने से अब यहां 200 नए बेड की क्षमता तैयार हुई है। इसके अलावा 8 सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज की सुविधा का निर्माण होने से गंभीर बीमारी का उत्तम इलाज हुबली में ही सुनिश्चित होने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ मेडिकल एजुकेशन के मामले में भी युवा साथियों को कर्नाटक में ही अधिक अवसर मिलने वाले हैं। साथियों, आज ही राजाजी नगर में बने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण किया गया है। इस तरह के ईएसआईसी के देश में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज है, जिसमें से एक अब कर्नाटका में खुल गया है। पहले की सरकार कैसे काम करती थी, उसको सामान्य मानवी के स्वास्थ्य की कितनी चिंता थी, युवाओं के सपनों की कितनी चिंता थी, इसका जीता जागता प्रमाण ये यहां की कॉलेज है। साथियों, इस मेडिकल कॉलेज को बनाने का फैसला 2009 में किया गया था, पर इस मेडिकल कॉलेज का काम 2 साल बाद 2011 में ही बिल्कुल धीरी गति से लोगों को दिखाने के लिए चलता रहा। हमारी सरकार जब आई तो हमने इस काम को गति दी। आज ये सेवा के लिए बिल्कुल तैयार है। इस कॉलेज के बनने से कर्नाटक में 100 MBBS और 55 पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट बढ़ गई है। साथियों, कर्नाटक में जो ये अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बने हैं, इसे पूरी तरह से देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार करने का हमारा निरंतर प्रयास का प्रतीक है। अस्पतालों के साथ साथ आयुष्मान भारत जैसी महत्वपूर्ण योजना भी हमारी सरकार ले आई है। कर्नाटक में गरीब बहन भाइयों को इसका कितना बड़ा लाभ मिल रहा है, इसका अनुभव थोड़ी देर पहले मैंने खुद ने किया। आयुष्मान भारत योजना के अनेक लाभार्थियों को उनके दर्शन करने का, उनसे बातचीत करने का, उनके अनुभव सुनने का मुझे अभी अभी सौभाग्य मिला। और मैं देख रहा था कि बिल्कुल गरीब परिवार से आए हुए लोग, कोई 2 साल से बीमार, कोई 4 साल से बीमार, कोई 5 साल से बीमार, लेकिन कोई 2 लाख मांगता था, कोई 5 लाख मांगता था, कोई 3 लाख मांगता था। गरीब व्यक्ति के पास पैसे नहीं थे, वो बीमारी से परेशानी झेल रहे थे, मौत का इंतजार करते थे,
लेकिन इलाज नहीं करवाते थे। आज जब मैंने उन्हें पूछा तो वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना ने हमारी तो जिंदगी बदल दी और हमारा ऑपरेशन हो गया। सरकार ने में डॉक्टर ने प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी ने एक नया पैसा नहीं लिया, कोई दलाल नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुपये लेने वाला नहीं, बस एक कागज लेके जाओ, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ उठाओ और देश का गरीब अब बीमारी के कारण जिंदगी में मुसीबत नहीं झेलेगा, ये काम हमने कर दिया है। साथियों, इस योजना के माध्यम से देश में हर दिन औसतन 10,000 से ज्यादा गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त में हो रहा है और इसे शुरू हुए अभी मुश्किल से 150 दिन हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में ही 14 लाख से अधिक गरीब भाई बहनों का और बच्चों का इलाज हो चुका है।